आज हुआ यूँ था कि मैं आज बैंक गया था, बैंक में पैसा जमा किया 18,000 रुपये। जब जमा किया, जमा करके आया, मुझे बहुत अर्जेंट काम था, मतलब बिजली बिल तिरना था। तो हुआ यूँ, जैसे मैं दुकान आया, पैसा देखा कि 18,000 रुपये आ चुके हैं, अचानक 8,000 रुपये विड्रॉल हो गया। अब मैं परेशान कि भाई कौन ले गया, कौन लिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हुसैन उल्टी बात में आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद मैं गांव आया था। अभी फ़िलहाल आप लोगों को जैसा कि मैं बता चुका था कि मकई का वक्त चल रहा था, मकई खेतों पे लगा हुआ था। अभी भी कुछ जगहों पे मकई लगे हुए हैं जिसकी बाली अभी तोड़ा नहीं गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये पूरा जो खेत खलिहान है बिल्कुल सफाचट, बिल्कुल ये बाली ख़त्म करने के बाद फिर धान का मौसम आने वाला है। तो बहुत दिनों के बाद मैं आया था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी एक बार दिखा दूँ कि मकई अब बहुत सारे लोगों ने तोड़ के बेच भी लिया, कुछ खेतों पे लगे हुए हैं। तो आज जो है ना, मैं एक अहम बात करने वाला हूँ। ये जो देख रहे हैं हमारे पीछे लाल कलर की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर एक कुर्सी है, जिस पर एक दो कुर्सी, इस पर बैठने के लिए 4 या 5 मेयर उठे हैं, जिसमें से एक ही शख्स समझे कि कुर्सी की लड़ाई, सियासत तो उसी को बोलते हैं ना, एक कुर्सी पर बैठना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी मतलब उसका राज चलता है। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद कि मैं आज बैंक गया था, बैंक में पैसा जमा किया 18,000 रुपये। जब जमा किया, जमा करके आया, मुझे बहुत अर्जेंट काम था, मतलब बिजली बिल तिरना था। तो हुआ यूँ, जैसे मैं दुकान आया, पैसा देखा कि 18,000 रुपये आ चुके हैं, अचानक 8,000 रुपये विड्रॉल हो गया। अब मैं परेशान कि भाई कौन ले गया, कौन लिया। फिर मैं दौड़ के बैंक गया, मैं बोला भाई ये क्या हो गया। बोला यार, मिस्टेक से जो ना आपका पैसा जो ना दूसरी जगह भेज दिया गया, मैं वापस कर दिया हूँ, ऐसे बोला। उसके बाद थोड़ी सी जान में जान आई, फिर मैं पैसा ले गया था मतलब भरने के लिए फिर अलग से, क्योंकि मुझे 18-19 हज़ार के बिजली बिल तिरने थे। लेकिन फिर मैं पैसे लेके कर्ज़ा लेके, चलो यार अब पता नहीं कौन ले गया नहीं ले गया। तो फिर बोले कि नहीं, हम ही लोग से मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से फिर वापस कर दिया। तो वो एक शख्स किसी तौर बस मिल जाता मुझे, वो एक शख्स किसी तौर बस मिल जाता मुझे, मुझे मंजूर थे फिर जितने खसारे होते। बस तो मैं आप एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहले सोचता था कि वो दिन कब आएगा जब लोग मुझे कमेंट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो दिन का आगाज़ हो चुका है। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि चैलेंज किसे कहते हैं और चैलेंज का मतलब क्या होता है। देखिए, जब चैलेंज की बात आती है ना और मुकाबले की बात आती है, तो इसमें होता है रिक्स, इसमें होता है परेशानी, इसमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें यानी आप चैलेंज का मतलब ही ये होता है कि मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार, समझ रहे ना। तो मैं जो चाहता था वो दिन करीब आ चुका है, लोग अब कमेंट भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर, है ना। लेकिन मुझे टूटना नहीं है, बल्कि और भी मजबूत होना है पहाड़ों की तरह, और काम भी करना है मजबूती के साथ, इंशाल्लाह एक नए सिरे से, नई सोच के साथ बिल्कुल करूँगा। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ
कि आप लोग मशवरा देते रहे, मशवरा जितना देंगे, जितने कमेंट में आप बताएंगे कुछ नई बात, इंशाल्लाह उस बात को भी मैं हाईलाइट करूँगा। और अभी तो चैलेंज का मतलब ही रिस्क, रिस्क कोई भी चीज़ उठाने के लिए आप तैयार हो जाए, कितनी भी मुसीबत कितनी भी परेशानियाँ हों, लेकिन आपने जो चैलेंज ले लिया है आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उसको चैलेंज, उसका नाम चैलेंज नहीं है, फिर उसका नाम कोई दूसरा है, दूसरा नाम आप उसको दे सकते हैं, फिर वो चैलेंज नहीं रहेगा। चैलेंज का मतलब है जो आप बोलते हैं वही आपको करना पड़ेगा, उस पर डटना पड़ेगा, बिल्कुल उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, इसको बोलते हैं चैलेंज। ये नहीं कि लिए दो चार कदम चले फिर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्तकिल जो चलने का कदम ले लिए हैं, उठा लिए हैं, तो आप जब तक मंजिल को ना पकड़ लें तब तक आप नहीं बैठोगे, वादा करो नहीं बैठना है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को और चैलेंज के मुतल्लिक आप भी कुछ बातें मुझसे शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और भी मेरा हौसला बुलंद हो। इंशाल्लाह आप देखें क्या होता है।